मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में बने इन्फिलेटेबल अस्पताल का उद्घाटन किया। शिवराज सिंह ने कहा, मरीजों को बचाना और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाइव चैट के जरिए और उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने उपस्थित होकर नसरुल्लागंज के सिविल अस्पताल में पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स द्वारा स्थापित इन्फ्लेटेबल पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी व्यवस्था का मुआयना किया, उसकी कार्य पद्धति को समझा और वहां मौजूद टीम से चर्चा करने के बाद ये सुनिश्चित किया जिससे उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाइव चैट के माध्यम से उपस्थित लोगों से जुड़े और पिक्चर टाइम द्वारा स्थापित विशेष इन्फ्लेटेबल कोविड अस्पताल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, ये मेरा संकल्प है कि प्रदेश में इस संक्रमण को फैलने नहीं देंगे, संक्रमितों की पहचान की जाएगी और उनका सही उपचार किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस कोविड केयर सेंटर से सभी मरीज अपना इलाज कराकर स्वस्थ होकर घर जा सकेंगे। उनको ठीक ढंग से अस्पताल में लाए और पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ हमारा अच्छा काम कर रहा है, वो यहाँ से स्वस्थ करके भेजे। हमारा संकल्प, संक्रमण नहीं फैलने देंगे, अगर कहीं फैला मरीज को पहचानेंगे और पहचानने के बाद उसका इलाज करेंगे, कोई की मृत्यु ना हो, ये हमारा संकल्प है। सब स्वस्थ होके जाए और मुझे विश्वास है कि हमारे कोविड केयर सेंटर से सब लोग स्वस्थ होके जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबको। नसरुल्लागंज में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ 20 बिस्तरों का यह अस्पताल बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद करना है, क्योंकि इस बार भारत में कोविड का कहर बहुत गहरा और गंभीर लग रहा है। पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स का लक्ष्य देश में विभिन्न हिस्सों में ऐसे ही और अधिक अस्पताल स्थापित करना है। पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स के संस्थापक और CEO सुशील चौधरी ने बताया कि वे मध्य प्रदेश के रेहटी में जल्द ही एक और चिकित्सा इकाई का स्थापना भी करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।